लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्रिकेट के बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। भाजपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल से क्रिकेट स्टार मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतारने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलते हुए मोहम्मद शमी ने एक तेज गेंदबाज के रूप में राष्ट्रीय ख्याति हासिल की है और वह अभी भी बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व पहले ही इस प्रस्ताव के साथ मोहम्मद शमी से संपर्क कर चुका है। हालांकि अंतिम फैसला शमी को लेना है, जो फिलहाल सर्जरी होने के बाद क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मोहम्मद शमी को आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है और चर्चा सकारात्मक रही है। बीजेपी के करीबी सूत्रों में यह भी चर्चा थी कि शमी को मैदान में उतारने से बीजेपी को बंगाल में अल्पसंख्यक सीटों पर जीत मिल सकती है। फिलहाल यह खबर सूत्रों के मुताबिक है। भाजपा सूत्रों के अनुसार बीजेपी शमी को बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। यह निर्वाचन क्षेत्र अभी बहुत संवेदनशील है। जिस संदेश खाली से हाल ही में महिलाओं के साथ अत्याचार के खौफनाक मामले सामने आए, वह बशीरहाट सीट में ही आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटों की संख्या सर्वाधिक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शमी को मैदान में उतारना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि वह अब भारतीय क्रिकेट के ट्रेंडिंग हीरो में से एक हैं। पिछले साल हुए विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 33 साल के शमी ने विश्व कप में कुल 7 मैच खेले और 24 विकेट झटके। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन कर 57 रन देकर 7 विकेट झटके थे, जो कि 50 ओवरों के विश्व कप इतिहास में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ विकेट रिकॉर्ड है। शमी ने इस टूर्नामेंट में 3 बार 5 विकेट लिए। इसके बाद सीएम योगी ने शमी से मुलाकात की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि शमी के पैतृक गांव अमरोहा में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फाइनल हारने के बाद टीम के सदस्यों को सांत्वना देने के लिए क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए तो उन्होंने शमी को गले लगाया था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया था। शमी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा हाल ही में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर शमी की सराहना की थी। उन्होंने शमी की सर्जरी के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसके बाद शमी ने पीएम को धन्यवाद अदा किया था। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं के नाम हैं। अब माना जा रहा है कि फिर से कुछ दिनों में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इसके बाद दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसी महीने के मध्य तक डेट घोषित हो सकती है। अगले महीने में देश भर में आम चुनाव होने हैं, जिसे कई चरणों में मतदान के जरिए करवाया जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि बीजेपी मोहम्मद शमी को बशीरहाट सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, जो कि बंगाल में आता है। लेकिन आगे बीजेपी क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।